नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती। गुजरात में चुनावी मौसम में आई एक फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया है। ये फिल्म किसी और पर नहीं, पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल पर बनी है और गुजरात के पाटीदार आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी है। ये फिल्म ठीक गुजरात चुनाव के वक्त आई है, इसलिए इसका मकसद भी समझा जा सकता है। लेकिन फिल्म के जरिए जो विचार फैलाया जा रहा है वो बड़ा हिंसक है। गांधी की धरती पर ये फिल्म हिंसा की बात करती है, लाठी डंडों और लाशें बिछाने की बात करती है। तो क्या हार्दिक पटेल हिंसा की पैरवी कर रहे हैं? इस बारे में जब इंडिया टीवी संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने हार्दिक पटेल से पूछा कि क्या वो फिल्म में ऐसे संवादों का समर्थन करते हैं, तो आपको सुनाते हैं उन्होंने जवाब में क्या कहा। तो क्या आपकी कुछ इस तरह की बात हुई थी कि कैसी फिल्म आनी चाहिए इलेक्शन के पहले जिससे कि मैसेज जाए? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, उन्होंने अपने तरीके से किया है। पर उसके जो फिल्म का जो कथानक है, जो कंटेंट, उससे आप सहमत इत्तेफाक रखते हैं? सही है और सही अच्छा हुआ। लोगों को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ अगर कोई भावनात्मक चीज़ें जुड़ी जाए तो अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत। हमारी फिल्म का नाम है हमें हक चाहिए हक से, और इसका मेन कॉन्सेप्ट है जो हम आरक्षण के लिए लड़ते हैं, ये अच्छा है या बुरा ये नहीं जानते, लेकिन मेरा मानना है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको ज़रूरत हो। वाकई में आज वो भी आरक्षण ले रहा है जिनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको आरक्षण मिल रहा है। मेरा नाम गौरव प्रतीक है, मैं बेसिकली झांसी से हूँ लेकिन मुंबई में रह रहा हूँ काफ़ी सालों से। तो हमारी लड़ाई है इस फिल्म के थ्रू कि जिसको ज़रूरत है वाकई में उसको आरक्षण मिले, और जिसको नहीं है तो उसके लिए फैसला होना चाहिए, जिसको ज़रूरत नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए। कि हमारे हर युवाओं को अपनी आवाज बात रखने का हक है और युवाओं की भाषा में रखने का। आप इसका समर्थन करते हैं इस तरह की बातों का? डेमोक्रेसी में, जहाँ पर हमने डेमोक्रेसी ने कहा है कि आप बिना हथियार के साथ विद्रोही आंदोलन कर सकते हैं लेकिन हथियार के साथ आंदोलन नहीं कर सकते, उसमें मैं मानता हूँ। अगर डैमेज डेमोक्रेसी होती है तो उसके में समर्थन नहीं, समर्थन नहीं। तो हार्दिक पटेल साफ कर चुके हैं कि फिल्म में हिंसक विचारों का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिल्म का उन्होंने स्वागत किया है। पाटीदारों के समर्थन को लेकर हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच कई दौर की बातचीत चल रही है, उस पर अब तो करीब करीब मुहर भी लगने वाली है।